हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बता रही हूँ केरी की चटनी बनाना। और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल दो अलग अलग तरीके से। केरी का सीजन हो और खाने की थाली में अगर केरी की चटनी मिल जाए तो खाने का स्वाद तो दोगुना हो जाता है। केरी का जो खट्टापन होता है चटनी में अगर मिल जाए तो वाकई स्वाद में मजा आ जाता है। तो मैं आपको दो तरीके से इस तरीके से चटनी बनाना बता रही हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ में बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी केरी और धनिए की चटनी बनाना। तो इसके लिए चाहिएगा 1 कटोरी धनिया, आधा कटोरी पुदीना, इन दोनों को मैंने साफ़ कर लिया था, और 2 हरी मिर्च, और 1 मीडियम साइज़ का कच्चा आम जिसे मैंने पल्प को काट लिया है छिलकर और इसके बीज को निकाल दिया था, और 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच सादा नमक, और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, या फिर आप भुना हुआ जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर सभी सामग्री डाल देते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच गुड़ डाल रही हूँ, आप इसकी जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिना मीठे के भी चटनी बना सकते हैं, पर चटनी में अगर थोड़ा सा मीठापन हो तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और अब इसमें डाल देते हैं 1/4 कप पानी, और अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। बिल्कुल अच्छी बारीक हमने चटनी को पीस लिया है, इसे बाउल में निकाल देते हैं। केरी और प्याज की हम चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 1 मीडियम साइज़ की केरी ले ली है, कच्ची केरी है ये, और 3 प्याज ले लिए हैं, 4-5 साबुत लाल मिर्च ले ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और 5-6 लहसुन ले ली है, 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, और 1 छोटी चम्मच काला नमक लिया है। तो इसे मैं छील कर इसके पल्प को काट लेती हूँ, और प्याज को भी काट लेंगे, और उसके पल्प को जो है काट लिया है और प्याज को भी काट लिया है। मिक्सी पॉट में सभी चीजें डाल के फिर इसे पीसेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं 1/4 कप पानी, और अब इसे पीस लेते हैं बारीक। और अगर आप इसे खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, तो अपने स्वाद के अनुसार आप शक्कर ऐड करें और फिर इसे पीस लें। तो ये देखिए, मैंने शक्कर डालकर भी इसे पीस लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसके टेक्सचर और टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसे 4-5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे इसका कच्चापन जो है प्याज का, लहसुन का, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा और इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसे 4-5 मिनट तक हमें कुक करना है, लो फ्लेम पर करेंगे और बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें। अब जो है गैस को मैं बंद कर देती हूँ। देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और चटनी थोड़ी थीक हो चुकी है। 4 मिनट मैंने इसे कुक किया है, तो इसे बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको केरी से दो तरीके की चटनी बनाना बताई है, दोनों का कलर देखिए और टेस्ट में भी ये दोनों बहुत ही अच्छी लगती है अपनी अपनी जगह। आप इसे समोसे, कचौरी, पराठे, भजिए, जिसके साथ चाहे आप खा सकते हैं। दोनों का टेस्ट वाकई बहुत ही अच्छा है और इसमें आप तीखापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा आपको तीखा पसंद हो वैसा आप इसमें तीखापन डालें। थैंक यू।